नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं टेक सुमन। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मैसेंजर पे चैट हेड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फायदा मिल सकता है, और दोस्तों ये चैट हेड को कैसे ऑन करते हैं कैसे ऑफ करते हैं इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम अगर मैसेंजर पे चैट हेड को ऑन करके रखते हैं, अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको क्या फायदा मिल सकता है। सबसे पहले तो अगर कोई भी हमें मैसेंजर पे मैसेज करता है तो डायरेक्टली हमको अपनी स्क्रीन पे वो मैसेज आ जाता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे हम जो भी मैसेज आता है, जो भी मैसेंजर पे मैसेज आता है वो हम ऐसे इसको स्क्रॉल करके भी इधर उधर ले जा सकते हैं। और कहीं पे भी मोबाइल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कोई भी वीडियो मूवी या तो कोई भी कहीं पे भी फोन कर रहे हैं, तो अगर कोई भी हमें मैसेंजर पे मैसेज करता है तो वो मैसेज हमें डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे दिखाई देता है। और हम वीडियो देखते देखते किसी से मतलब फोन पे बात करते करते उसको हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, या तो टाइप करके उसको मैसेज भेज सकते हैं या रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बढ़िया एक सुविधा है, यहाँ पे हम अगर चैट हेड को इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारे सुविधाएं मिल सकता है। तो दोस्तों हम सीधा अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ से जानेंगे हम मैसेंजर की जो चैट हेड है उसको कैसे ऑन करेंगे और इसको कैसे ऑफ करेंगे। तो सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन मैसेज, यहाँ पे मेरा तीन मैसेज आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मोबाइल अगर हम कहीं पे भी YouTube देख रहे हैं, WhatsApp देख रहे हैं, तो हमें ऐसे मैसेज आ जाता है। अगर हमने चैट हेड को ऑन कर दिया तो मैसेंजर पे कोई भी मतलब मैसेज आता है तो हमें यहाँ पे शो कर देता है आगे ही स्क्रीन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी YouTube देखते देखते, वीडियो देखते देखते, WhatsApp देखते देखते, यहाँ से हम उस मतलब जो बंदे ने हमें मैसेज किया है उसको हम रिप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये चैट हेड को मतलब जो भी मैसेज आता है उस पर हम टच करेंगे, टच करके यहाँ से कोई भी हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, चैट हेड का अगर हमने इस्तेमाल किया है, अगर हमने चैट हेड को ऑन किया है तो यहाँ से हम इसको मतलब जो जिसने भी मैसेज किया है उसको हम ऐसे मतलब हम सेंड कर सकते हैं मैसेज, यहाँ से वीडियो देखते देखते, यूट्यूब देखते देखते, व्हाट्सएप देखते देखते और मोबाइल के यूज करते करते। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको कहीं पे भी मूव भी कर सकते हो, यहाँ पे हम चैट हेड पे ऐसे दबा के रखते हैं और इसे हम यहाँ से मूव भी कर सकते हैं कहीं पे भी, और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो आपको क्रॉस की निशान दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ले जाके ऐसे रख दोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे ऑन करेंगे इसी के बारे में अभी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ से डायरेक्ट हम चलते हैं अपने मैसेंजर पे, मैसेंजर पे चलने के बाद आपको दिख रहा है ये मैसेंजर ऑन हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर जो हमारा प्रोफाइल है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको नीचे की ओर जाना है, और नीचे की ओर जाने के बाद तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टोरी, SMS, फोन कॉन्टेक्ट, उसके बाद फोटोज एंड मीडिया, उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा चैट हेड्स। ठीक है, चैट हेड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑन है मेरा, तो इसको हम यहाँ पे दबा के ऑन कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे अगर टैप कर देंगे तो ये ऑफ हो गया, और इसको हम ऐसे यहाँ पे फिर एक बार टैप करेंगे तो ये ऑन हो गया। तो दोस्तों ऐसे करते हैं चैट हेड का इस्तेमाल, और इसको ऐसे करते हैं ऑन और ऑफ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल करें, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। दोस्तों अगर चाहे तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।